की जो जांच अधिकारी है उनकी ड्यूटी जो है यहाँ पे लगाई गई है। अलग से टीम बनाकर के रेलवे स्टेशन सोनीपत पर नजदीकी स्टेशनों पर बार बार चेकिंग कराई जा रही है। आने जाने वाले यात्रियों को चेक किया जा रहा है या संदिग्ध व्यक्तियों को पूर्व रूप से देखा जा रहा है। इस वक्त आप सीधा सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरा जूम करके दिखाए। हम रेलवे पुलिस के ऑफिस के सामने इस वक्त खड़े हैं। रेलवे अधिकारियों को ये धमकी मिली है कि कई स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद जो रेलवे अधिकारी हैं वो अलर्ट हो गए हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने स्टेशन पे सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता कर दिए गए हैं। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपील करना चाहूँगी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें। अभी हम अंदर जाएंगे और जो SHO साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या मामला और कितनी सच्चाई है इस मुद्दे में। नमस्कार सर, एक बयान आया है जो हमारे SHO साहब है उनका कि कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कितनी सच्चाई है इन बातों में? हमारे को निर्देश मिला था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए व गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जो है लगातार चेकिंग की जाए। जो इस संबंध में हम अलग से टीम बना करके रेलवे स्टेशन सोनीपत पर नज़दीकी स्टेशनों पर बार बार चेकिंग कराई जा रही है। आने जाने वाले यात्रियों को चेक किया जा रहा है या संदिग्ध व्यक्तियों को पूर्व रूप से देखा जा रहा है। कब से हो रही है चेकिंग अभियान, कब से चल रहा है सर? हमारा चेकिंग अभियान कम से कम एक हफ्ता लगातार चल रहा है, दिवाली से पहले का चला हुआ है। धमकी के बारे में कोई जानकारी है सर आपके पास? नहीं, अभी लिखित में तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जी। बाकी हम अपने रेलवे की सुरक्षा के लिए जो हमारे बाद अफसरों ने निर्देश दिए हैं जी, निर्देश के अनुसार हम अपने कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है जी। अभी आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी तो इनके पास अवेलेबल नहीं, अभी लिखित में कोई जानकारी इनके पास नहीं है, लेकिन इनको सूचना मिली थी और लगातार ये एक हफ्ते से जो जांच अभियान है इन्होंने चला रखा है। अपील करूंगी हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अभी हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जाएँ। आप देख सकते हैं कि हम सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़, ये सोनीपत का रेलवे स्टेशन है। कैमरामैन से कहूंगी कि चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाया जाए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो जांच अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी जो है यहाँ पे लगाई गई है और जो यात्री हैं उनके सामान की चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। अपने आसपास हो रही छोटी मोटी घटनाओं पर पैनी नज़र रखें, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी में ही सुरक्षा है। हमारी दिवाली के त्यौहार के टाइम पर चेकिंग लग रही है जी। तो हमारे गाड़ी को चेक करते हैं, हर एक पैसेंजर को जिसको डाउट पड़ता है वो चेक करते हैं जी। तो हमारे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम पूरी गाड़ियों को चेक करते हैं, सवारियों को भी चेक करते हैं जी। कल जो सर्च अभियान चलाया गया, साइकिल स्टैंड को भी चेक किया गया, प्रतीक्षा कार्यालय को भी चेक किया गया है, जो आने वाले यात्री हैं उनको भी चेकिंग की गई है, तो इस बारे में क्या आदेश थे आपके पास? हमारे हर एक आदमी को चेक करना है, किसी को डाउट पड़ते सबको चेक कर लो आप। सुमित, सुमित सुमित कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली। दिल्ली, सामान की चेकिंग हुई आपके? हो गई। चेकिंग हो की जा रही है आप? हाँ, हाँ। सुबह हो चुकी है चेकिंग? हम अभी आए हैं। ओ, कहाँ जाएंगे आप? ये सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी चेकिंग हो रही है आपके सामान की? चेकिंग हो रही है। अभी तक कोई और जानकारी हमारे पास नहीं आई है, जब तक SHO साहब से हमारी बात नहीं हो जाती है इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये कोई साजिश है या किसी का किया हुआ मजाक है। हम भी अपील करना चाहेंगे कि सभी जो यात्रीगण हैं वो अलर्ट रहें और आसपास होने वाली घटनाओं पर पैनी नज़र रखें। ऐसी खबरों के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।